Now coming to question number 7. In a right triangle ABC, angle B equals to 90 degree. एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी जिसका एंगल बी कितना है 90 डिग्री. सो इसके दो पार्ट हैं जो हमें करने हैं. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है जो ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है और हमें ए सी फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं. जो बी है हमारा वो 90 डिग्री है और ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और आपको ए सी फाइंड करना है. सो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर क्या होता है? जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है और देन जो सीधी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर और जो नीचे रहता है वो बेस होता है. सो इसमें एच स्क्वायर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है? ए बी का स्क्वायर और हमारा बेस है बी सी का स्क्वायर. नाउ पुटिंग द वैल्यू, हमें ए सी स्क्वायर क्या करना है? फाइंड करना है और ए बी की वैल्यू है 6, मतलब 6 का स्क्वायर और बी सी है 8 का स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर 6 जा कितना हो जाएगा 36 और 8 जा 64. सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और आपको पता है जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है? रूट. और 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 10 का. सो हमारा ए सी कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर. नाउ कमिंग टू पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड में बोला गया है जो हमारा ए सी है वो है 13 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है और ए बी हमें फाइंड करना है. सो यहां पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. यूजिंग पीजीटी क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर क्या है इसमें हमारा? ए सी स्क्वायर. परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी. सो ए सी स्क्वायर हमारा कितना है? 13 का स्क्वायर. ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी है हमारा 5 का स्क्वायर. सो 13 × 13 = 169. ए बी स्क्वायर और 5 जो होता है 25. नाउ ए बी को हम यहीं रहने देते हैं और 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. सो 169 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा और ए बी स्क्वायर 169 में से 25 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 ए बी स्क्वायर. सो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रूट. सो ए बी इक्वल्स टू रूट 144 और 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 12 पुट कर लेते हैं. सो 1 × 1 आ जाएगा 1. 1 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा? 0 और यहाँ पे हम 1 को ऐड कर लेते हैं. 1 × 1 आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमको नेक्स्ट पेयर उतारना है दैट इज 4. यहाँ पे हम क्या रखें कि 44 आ जाए. हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं. यहाँ पे भी 2. 22 × 2 क्या हो जाएगा? 44 और 44 में से 44 जाएंगे तो 0. सो 144 हमारा किसका स्क्वायर रूट है? 12 का. सो हमारी ए बी कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर.